देश की राजधानी जयपुर में नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की जा रही है। विभिन्न समस्याओं को लेकर अलग अलग जिलों में तैनात सफाई कर्मचारी भी काफी परेशान है, लेकिन अजमेर की जनता साफ सफाई और गंदगी के समय पर नहीं होने पर खासी नाराज है। अजमेर शहर के गंज क्षेत्र में बना कचरा डिपो सभी के लिए मुसीबत बना हुआ है। कचरा डिपो के पास शिव मंदिर और आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है, साथ ही मार्ग अजमेर दरगाह के लिए जाता है। ऐसे में मार्ग में बना कचरा डिपो लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। इस डिपो पर अलग अलग वार्डों के कचरे और गंदगी पहुंचती है, जिसके कारण मंदिर में आने वाले श्रद्धालु भी परेशान रहते हैं। साथ ही पुजारी द्वारा इसे लेकर कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। गाय और आवारा जानवर थैली और अन्य पदार्थों का खाने से बीमार हो रहे हैं। इस गंदगी को सड़क पर फैले दिखते हुए कौवे और कुत्ते भी गंदी चीजें को फैला देते हैं, जिसके कारण आसपास लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही व्यापारी भी कई बार इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हुआ। इस डिपो पर पहुंचकर लोगों से बातचीत की, जिन्होंने बताया कि ये समस्या विगत 10 सालों से बनी हुई है। आसपास से आने वाले कचरा बड़ा संख्या में यहाँ पहुँचता है, इसे उठाते उठाते शाम हो जाती है। इसी कारण कई बार गाड़ियाँ स्लिप होती है, हद तो तब हो जाती है जब गंदगी के कारण लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। मक्खियां मच्छर से बीमार का खतरा भी बढ़ने लगा है। ऐसे में उन्होंने मांग की कि इस विषय में जल्द उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। यह क्षेत्र कचरा डिपो यहां से हटाकर किसी अन्य क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। टाइम में तो बहुत स्थिति खराब रहती है, आए दिन कोई गाड़ियां निकल नहीं पाती है और 10 से 15 एक्सीडेंट तो होते ही होते हैं फिक्स है। मतलब बहुत विपरीत स्थिति है यहां से डिपो कम से कम 25 साल हो गए, कोई है प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है। नगर निगम की पूरी व्यवस्था रहती है, ये तो स्मार्ट सिटी का काम कोई भी नहीं है। आप देख लो, सावन का महीना है, सावन के महीने में भक्त लोग आते हैं, टुकड़े पड़े रहते हैं अड्डे के, वो पड़े रहते हैं, सब सुगलौड़ा रहता है, रोड खड्डे हो रहे हैं और आए दिन मैं तो हम तो यही चाहते हैं भाई डिपो हट जाओ यहाँ से। गायें तो देखो ना आप खुद देखो, कांच खा रही हूँ, थैले फंस जाओ। सियाराम यहाँ पे गंदगी बहुत रहती है और क्या है कि जो भी जाए मतलब गाड़ी वाले निकलते हैं यहाँ से तो स्लिप होके गिर जाते हैं, इतना कीचड़ रहता है जब भी बारिश आती है तब, और यहाँ पे क्या नाम है गंदी चीज़ भी डाल देते हैं तो क्या है कि कुत्ते लेकर के आ जाते हैं और गौ माता वहाँ पे बैठी बैठी उसको खाती है, तो मतलब कुछ मुंह में चुभ भी जाता है उनके, और छत के ऊपर भी हमारे कौवे पंख वगैरह डाल देते हैं। मेरे को दिन में 2-3 बार सफाई करनी पड़ती है, मैं भी परेशान हूँ। भैरव जी के कुत्ते यहाँ पे ला करके मंदिर के बाहर भी मतलब अड्डियाँ वगैरह डाल देते हैं, तो हम लोग परेशान हैं। और दूसरी बात कि गीला सूखा कचरा है, तो उस हिसाब से आप देखो तो कचरा ही डालो, एक ही गंदगी मत डालो, क्योंकि हमारे छत के ऊपर कौवे डाल रहे हैं, इधर उठा करके कुत्ते लेके आ रहे हैं, तो हम बहुत परेशान हो रहे हैं। ये गंज क्षेत्र है, गंज क्षेत्र के अंदर गंज थाना भी है और ये हॉस्पिटल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी है, और यहाँ पे जनप्रतिनिधि दरगाह नज़दीक है, दरगाह नज़दीक और प्लस ये जो शिव मंदिर भी नज़दीक है, इसके पास में एक कचरा डिपो बना हुआ है। तो कचरा डिपो कम से कम 20-25 साल से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि रोड पे इतनी गंदगी रहती है जिसे आम जन को परेशानी होती है आने जाने में, और जो जायरीन आते हैं तो जायरीन तो उस गंदगी को देखते उस गली से टर्न करके वो मुड़ जाते हैं इधर तक कि यार गंदगी अजमेर शहर के अंदर इतनी गंदगी है, उनको बदबू के कारण रह नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं। और हमारा यही कि अब मांग है कि इस कचरे डिपो को और ये जो गाड़ी आई है, अभी देखो नगर निगम की गाड़ी आई है, पूरी गाड़ी लबालब भर के आई हुई है और JVC मशीन भी खड़ी है इस कचरे, मैं कह रहा हूँ एक तो गाड़ी भरी हुई है, इस गाड़ी भरी हुई में कचरा कैसे डालेंगे? एक सिर्फ एक नगर निगम की एक फॉर्मेलिटी है, और नगर निगम मैं कह रहा हूँ ये नगर निगम नहीं है, ये नरक निगम है, ये अजमेर का, ये दुर्भाग्य अजमेर का कि इसी ऐसी गंदगी में हम अजमेर वाले रहते हैं यहाँ।